यहाँ हमारा बच्चा बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया था और नाक मुंह से और पोटी से बहुत खून निकल रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे हुआ क्या है। हम सोच रहे थे कि इसे लूज मोशन हो गए हैं। एक ही टाइम में 7 इंजेक्शन दिए और बहुत सारी मेडिसिन वगैरह दी। शाम के 7 बज रहे थे और डॉक्टर भी जाने वाले थे। इसको फटाफट से लेकर गए डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं। यहाँ इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं जल्दी जल्दी। और अब रेड लाइट भी आ गई है, बीच में रुकना पड़ गया। जब डॉक्टर के पास लेके पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा तो अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो पता नहीं क्या होता। ये हॉस्पिटल के अंदर लेके पहुँच गए अब हम। ये वेटरनरी कॉलेज ले आए हैं हम। ये कई दिन से खाना नहीं खा रहा था और हम समझ नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थे कि गर्मी की वजह से खाना नहीं खा रहा है। हमें नहीं पता था कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब इसके नाक मुंह और पोटी से ब्लड आने लगा तब हम इसको लेकर भागे। हाँ, बहुत सारे जानवर हैं। यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और जानवरों को भी बहुत प्यार करते हैं। फटाफट से देखभाल करने लग जाते हैं। पूरी की पूरी टीम डॉक्टर्स की आ जाती है। यहाँ इसे इंजेक्शन लग गए हैं। हमारे डॉग का नाम लियो है। लियो बहुत परेशान हो रहा है बेचारा। बस अब इसे घर ले जा रहे हैं। अब इसे घर ले जा रहे हैं। इसको 7 इंजेक्शन लगे थे और डॉक्टर ने बताया कि इसमें वायरस आ गया है। इसे बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और ये सूंघ सूंघ के घूम घूम के पोटी करते हैं तो इसलिए दूसरे कुत्ते से वायरस आ जाता है। इस वायरस से इसकी किडनी भी खराब हो गई तुरंत। डॉक्टर ने बताया कि इसकी वैक्सीन भी लगती है, वो हमने लगवाई नहीं थी। वैसे तो इसे सारी वैक्सीन लगी हैं लेकिन ये पार्गो वैक्सीन का नहीं पता था। कुल इसके 28 इंजेक्शन लगे हैं। हमें इस वायरस के बारे में मालूम नहीं था, बस हॉस्पिटल जाके मालूम पड़ा।
ये वैक्सीन हर साल लगवाना पड़ता है। गली के कुत्ते जो होते हैं वो अपना यूरिन पास करते रहते हैं सारा टाइम, और जो घर के पालतू कुत्ते होते हैं उसे हम टाइम टाइम से 2-3 बार ले जाते हैं, इसलिए इनकी किडनी ख़राब हो जाती है। अभी तो हमारे डॉग की किडनी वायरस की वजह से ख़राब हुई है। पालतू कुत्तों की किडनी अधिकतर इसी तरीके से ख़राब होती है क्योंकि वो हम लोग यूरिन पास कराने नहीं ले जाते हैं बार बार, इसलिए ख़राब होती है और उसमें वायरस भी आ जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं क्यों ख़राब हो गई है किडनी। ये डॉग बेचारे इतने समझदार होते हैं, घर में कभी कुछ गंदगी नहीं करते हैं ज़रा भी। अभी बेचारा बीमार हो गया तो इसने घर बहुत गंदा कर दिया था। और मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि यदि आपके पास भी डॉग है तो आप प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर से लगवा लेना पारगो। जैसे रेबीज की वैक्सीन हर साल लगती है ऐसे ही पारगो वैक्सीन भी हर साल लगती है। हमारा डॉग घर आ गया है और इसके पैर भी धुला दिए हैं। जब भी ये बाहर घूमने जाता है तो हम इसके पैर धुला देते हैं, फिर इसकी एक टॉवल है उससे इसके पैर पोंछ देते हैं, तब अंदर लेकर आते हैं। मैं इसे प्यार नहीं करती थी बिल्कुल, बस खाना देना और प्यार नहीं करती थी। जब से ये बीमार हुआ है मुझे बहुत दुख लगा इसको देखकर। क्या सोच रहा होगा मन में कि मुझे पता नहीं दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे डॉक्टर को, मुझे क्या हो गया है, इसके मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। ये हमारा क्यूट सा बच्चा, प्यारा प्यारा सा बच्चा है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बता देना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना प्लीज़।